पंचायत समिति भदेसर की साधारण सभा की बैठक चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, कपासन विधायक तथा प्रधान सुशीला कंवर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विशेष रूप से शिक्षा विभाग का मुद्दा छाया रहा। बैठक में शिक्षा विभाग के किसी भी अधिकारी के बजाय लिपिक के आने पर जनप्रतिनिधियों ने रोष जताया। बाद में सीजी व सुनील कुमार सालवी को बुलाया गया। सदन में उपस्थित होने के बाद भातसौड़ा सरपंच शंभूलाल सुथार के द्वारा भातसौड़ा विद्यालय में मिड डे मील में अनियमितता करने वाले शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने को लेकर विरोध जताया गया, जिस पर विधायक आज्ञा लताड़ लगाते हुए सीपीयू को अति शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए तथा जिला शिक्षा अधिकारी से भी बात की। मैं सबसे बड़ा मुद्दा बिजली का आया है, बिजली की लाइटें नहीं मिल पा रही, इसलिए किसान परेशान है। उनके जो VCR फाड़ी जा रही है, फर्जी बाहर से आके फर्जी VCR फाड़ते, उस विषय में भी लोग परेशान है और काफ़ी पानी बिजली की वजह से काफ़ी लोग परेशान है। सरकार की जो रोडें टूटी हुई है वो रिपेयर नहीं हो पा रही, उस संबंधी रोडें संबंधी बातें भी काफ़ी चर्चा हुई और शिक्षा विभाग संबंधी जो बात हुई है, इन लोगों ने एक स्कूल बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो स्कूल में दो टीचर हैं, दोनों को डेपुटेशन कर दिया। इस प्रकार का यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के BO है, उसके पर आरोप लगाया कि इसने पैसे कोटी लेकिन इनको जो रोड के स्कूल हैं, रोड पर स्कूल हैं, उन पर डेपुटेशन किए जाते हैं गांव के अंदरूनी जो रोड से अंदर। आज पंचायत समिति भदेसर में साधारण सभा की बैठक हुई, उसमें बिजली पानी सड़क खाद और शिक्षा, हमने सरकार के मंत्री से ही बात करी, लेकिन वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर मिड डे मील का जो खाना बनता है, अभी भातसौड़ा का एक प्रश्न आया था पहले 5-6 महीने भी साधारण सभा की बैठक में हुआ, अखबारों में आई, लेकिन उसकी जांच को लिपापोती कर दी गई। जो एशियो है भदेसर बैठता है उसने लिपापोती कर दी, जांच नहीं। वो कह रहा था कि मेरे पर ऊपर का कोई दबाव है, इस कारण से मैं जांच पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हमने आज इस सदन में तहसीलदार जी की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की है और वो कमेटी 7 दिन के अंदर उस मिड डे मील में हुए फर्जीवाड़े की पूरी जांच करके।